दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एचडीवी सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं एसटेट लेवल फर्स्ट 2022 से जो मैथ का क्वेश्चन आया था टेट में, उसको आज हम पढ़ाने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, कि पांच बच्चे हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि पांच बच्चे हैं जिनके आयु का अंतर एक दूसरे के आयु के बीच का अंतर कितना है, 4 वर्ष का, कितना है, 4 वर्ष का है, और इनके आयु का योग कितना है, टोटल 55 वर्ष है, कितना, 55 वर्ष। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा बच्चा है उसका आयु कितना है, ये भी पता करना है। हम देखेंगे, मानेंगे जो सबसे बड़ा है उसका आयु कितना है, 1 वर्ष। बड़े बच्चे की हम मानेंगे कि बड़े बच्चे की आयु 1 वर्ष है, क्या, बड़े बच्चे की आयु 1 वर्ष है। अगर पहले बच्चे की आयु 1 वर्ष है तो दूसरे का क्या होगा, 1 - 4, क्योंकि जो बड़ा है वो इससे 4 वर्ष बड़ा होगा, और जो दूसरा वाला है वो हो जाएगा 1 - 8, तीसरा 1 - 12, 1 - 16। कह रहा है कि पांच बच्चे हैं जिनके आयु आयु में अंतर जो है 4-4 वर्ष का है, और इनके आयु का जो है योग, योग किया है हम योग कर लेंगे। अगर ये पहले मान लेते हैं हम कि पहले का x है, दूसरे x - 4, तीसरे x - 8, x - 12, x - 16। कह रहा है फिर इनके आयु का योग, इनका योग कर दे रहा है, फिर इनके आयु का योग ये 55 वर्ष है, कितना है, 55 वर्ष। मैंने कहा ठीक है भैया, लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x में x जोड़ेंगे, 2x, 3x, 4x, 5x, कितना हो गया, 5x। अब इसको जोड़ेंगे, -4, -8, 12 हो गया, 12, 24, 24, 36, 10, 40, -40, 5x - 40 बराबर कितना, 55 वर्ष की, ये भी वर्ष है टोटल अगर देखेंगे तो 5x = 55 + 40, 5x = 55 + 40, तो 5x = 95, x = 19। किस ऑप्शन में दे रखा है, दे रखा है ऑप्शन नंबर 4, कितना, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि पांच बच्चे हैं, पांच बच्चे जो प्रत्येक आयु का अंतर 4 वर्ष है, और टोटल उनके आयु का वर्ग वो जो है 55 वर्ष है, तो बड़े बच्चे की आयु कितनी है, हम देखेंगे। मान लेंगे जो बड़ा बच्चा है उसका जो आयु है 1 वर्ष है, तो जो दूसरा होगा उससे छोटा होगा, जो तीसरा होगा उससे भी छोटा होगा, चौथा उससे भी छोटा, ऐसे होगा। तो पहला x है तो दूसरा x - 4, तीसरा x - 8, फिर जो चौथा होगा x - 12, फिर जो पांचवा होगा x - 16, इनके आयु का योग 55 वर्ष है, समझ लीजिए 55 वर्ष। फिर कह रहा हम इसको जोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5x - 40 बराबर 19, जो कि आंसर नंबर 4 में दिया है वही परम सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, एक गोला है, गोला है उसकी त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद 0.66 सेंटीमीटर, कितना, 0.66 सेंटीमीटर, R1 हुआ, R2 हुआ, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाया गया। फिर क्या कह रहा है कि छोटी, जो छोटी त्रिज्या है इससे जब गोला बनाया गया तो टोटल कितने गोले बनी, तो हम निकालेंगे, तो बड़े गोले का आयतन
बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। हम देख लेंगे बड़े गोले के आयतन में अगर छोटी गोली के आयतन से अगर हम भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छोटी गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो बड़े गोले का आयतन हम देखेंगे तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³ बटे छोटे। अब जो बड़े गोला है उसके हम त्रिज्या कितना मान लिए हैं r1, छोटा गोला जो है इसको r2 माने हैं, इसमें हो जाएगा 4/3 πr³। ये इससे कैंसिल हो गया, पाई पाई से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा कितना r1³ और इधर बचा r2³। अब r1³ का मान कितना, r1 का मान है 9 cm बराबर 9³ बटे r2, r2 का मान है कितना 0.6 cm इसका क्यूब कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9³ बटे 6/10³। ये बराबर हो जाएगा 9³ × 1000 बटे 6 × 6 × 6। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, जब हम भाग लोग देंगे कि हो जाएगा 9 × 9 = 81, 9 × 9 = 72, 729 × 1000 बटे 6 × 6 × 6। इसको हम जब सॉल्व करेंगे हो जाएगा कितना 3375, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीन, यही पर हम सबका आंसर होगा। आप भाग दे लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 9 cm, पहले उसकी त्रिज्या 9 cm है, बाद में उसे पिघला कर 0.6 cm की गोला बनाया गया। कह रहा है कि जब पिघलाए हैं उसके बाद टोटल कितनी गोलियां बनी है। हम बड़े वाले गोले का आयतन को अगर छोटे वाले आयतन से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा कितनी गोली आई है, 3375 गोली आएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या है उसको कैसे लिखा गया, 8 की पावर 10 × 8 × 10 × 9 कितना है 7 × 7 = 8 ऐसे दिया है। फिर कह रहा है तो दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये पूछा है। तो हम इसको देखेंगे, सबसे पहले अभाज्य के रूप में सब लिखेंगे, आर तो अभाज्य है ना, इसको अभाज्य के रूप में लिखा जाएगा 2^10 इसकी होल पावर 10, 2^3 होल टू पावर 10, 9 को लिख लेंगे 3^2 = 7, 7 = 8। तो हो जाएगा दो, जब घात का घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो 3 में 10 गुणा करेंगे 30 हो जाएगा और 7 × 2 = 14, 7^8। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे 30, 30 + 8 = 38, 38 + 4 = 42, 10 = 52, टोटल कितना हुआ 52। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीन, जो कि बराबर आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कह रहा है एक संख्या है जिसको 8^10 × 9^7 × 7^8 के रूप में लिखा जा सकता है। कह रहा है अगर इसको ऐसे लिखा गया है तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, 8 को हम लिख लेंगे 2^3 और 9 को लिख लेंगे 3^2। अब यहाँ देखिए जब घातों का घात हो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो हो जाएगा 2^30, 3^14, 7^8 इसको जोड़ लेंगे हो जाएगा 52, घातों को आपस में जोड़ लेंगे हो जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है, यदि एक बंटन का माध्य क्या, एक बंटन का माध्य कह रहा है कि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः कितना है 60 और 48 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य कितना है, कह रहा है एक यदि एक बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 60 और 48 है, 60 और 48 है,
इसका क्या कहते हैं मैंने बहुलक, बहुलक बहुलक संख्या है। कह रहा है कि ये संख्या है, एक बंटन है जिसका माध्य है, माध्य और माध्यिका क्रमशः 60 और 48 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर तीन माध्यिका गुणे दो माध्य, तो तीन गुणे माध्यिका कितना है 48, दो गुणे माध्य कितना है इसका 60, तीन माध्यिका माइनस दो माध्य होता है, बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य हो जाएगा, गुणा करेंगे हो जाएगा 8 3 24, 4 7 2, 4 3 12 2, 14 144, 8 3 24, 4 7 2, 4 3 12 2, 14 माइनस 6 2 12, 120 घटा लेंगे, 4 4 में से 2 गए 2, 24 24 किस आसन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 कितने में, ऑप्शन नंबर 3 जो कि परम सत्य आंसर है। कह रहा है कि एक बंटन है जिसका माध्य 60 है, माध्यिका 48 है, बहुलक ज्ञात करो, तो सीधे फार्मूला बता देंगे, ये फार्मूला होता ही है कि बहुलक बराबर तीन माध्यिका माइनस दो माध्य, तो निकाल लेंगे ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि आप देख रहे हैं हम जितना क्वेश्चन अभी सॉल्व किए लगभग सभी का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, अगर कोई तुक्का लगाया होगा तो उसमें सही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का एक तिहाई, कोई संख्या है मानव संख्या x है, हमने मान लिया कि मानव संख्या x है, ठीक। कह रहा है कि किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या का माने गुणा का एक तिहाई, यही कह रहा है किसी संख्या का एक तिहाई का 3/4 का मीन्स गुणा 3/4, किसी संख्या का एक तिहाई का 1/4, किसी संख्या का एक तिहाई का 1/5, किसी संख्या का एक तिहाई के 3/4 का 1/5, किसी संख्या के एक तिहाई के 3/4 का 1/5 24 है, यही कह रहा है हमें क्या याद करना, उस संख्या का 20%, इस संख्या का 20% याद करना, क्या संख्या का 20% लिख लेते हैं, संख्या का 20% यही पूछा है। हम मान लिए पहले वह संख्या x है, फिर प्रश्न अनुसार x का 1/3 का 3/4 का 1/5 और 24 का मीन्स गुणा लगा तो चले जाएंगे, अब ये तीन तीन से कैंसिल हो गया x मल्टीप्लाई 1/20 इज इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 24 × 48 480, x बराबर 480 मिल गया। जब x का मान सर 480 है तो हमें कह रहा है कि उसी संख्या का 20%, उस संख्या हो गया कितना 480 और 480 का 20%, 20% मध्य 100 कैंसिल हो गया, 48 × 96, वो संख्या की का 20% होगा 96, किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर तीन, देखो इसका भी तीन ही ऑप्शन नंबर सही है, मतलब अगर जो लगाया होगा तुक्का तीन नंबर पर कभी चल गया होगा उसके अलावा 3-4 क्वेश्चन सही हो गए यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक बार समझ लेते हैं, मान कह रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का एक तिहाई का 3/4 का 1/5 = 24 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा, हम मान लिए वह संख्या x है, x का 1/3 का 3/4 का 1/5 = 24 लिए, x का वैल्यू आ गया कितना 480, 480 का 20% निकाले हो गया 96। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण का मान 50° है, त्रिभुज है कोई उसका एक कोण का मान कितना दिया है, एक कोण दिया है 50°, ठीक। कह रहा है कि तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 है, मान लीजिए अगर ये 50 है तो दूसरा मान लीजिए x और तीसरा मान लीजिए y, कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है 30, यही कह रहा है ना, कह रहा है त्रिभुज का कोण 50° है तथा शेष दोनों का अंतर 30 है। अब हम ये देख लेते हैं, जब दो का अंतर 30 है मतलब तीनों अगर कोण जोड़ते हैं तो 180° होता है, तो अगर एक 50 है तो मतलब जो बचेगा 130 होगा, हम देख लेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 130, एक क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ये नंबर दो हो गया, कैसे हुआ
कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो जब एक 50 पहला है तो दो और जो दूसरा और तीसरा जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130। तो समीकरण एक हुआ समीकरण दो, इसको हम जोड़ लेंगे। समीकरण एक ये लिख लेते हैं, समीकरण एक धन समीकरण दो, ये बराबर कितना होगा जब इसको हम जोड़ेंगे हो जाएगा एक्स एक्स में जोड़ेंगे 2x, ये कैंसिल हुआ 160 बराबर कितना हुआ 80। जब एक्स बराबर 80 हो तो एक्स माइनस वाई बराबर 30 है, तो एक्स माइनस वाई बराबर 30 से अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाए एक्स मान कितना है 80 माइनस वाई बराबर 30, वाई इधर ले जाएंगे 30 इधर ले जाएंगे, 80 की हुई है 50, वाई बराबर 50, मतलब 50 80 50, यही आंसर है। किस ऑप्शन में दे रखा है 50 आया है ऑप्शन नंबर 3, ये भी ऑप्शन नंबर 3 सही है, बताओ ऑप्शन नंबर 3, ये भी 3 नंबर का ऑप्शन सही है, जो 3 नंबर पकड़ के गए होंगे लगभग 4-5 क्वेश्चन के सही हो गए होंगे। फिर देख लेते हैं कि एक त्रिभुज है उनका पहला कोण जो है 50 अंश का है, फिर दूसरे और तीसरे कोण का अंतर जो है 30 दे रखा है। अगर हम कह रहे हैं कि पहला कोण 50 है मतलब जो दूसरा तीसरा है जोड़ने के बाद टोटल 130 होगा, अगर 130 होगा तो इसमें से हम 50 में से इसको 130 होगा तो योगफल होगा 130, समीकरण के साथ निकल लेंगे वाई बराबर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि एक कार को 25 दिन में तथा बी उसी कार को, अच्छा ए है और बी है, कह रहा है कि ए किसी कार को कितने दिन पूरा कर लेता है 25 दिन में, ए किसी कार को 25 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। फिर कह रहा है कि दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया, तो पहले इस काम एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा 75 होगा। हम देखते हैं एलसीएम अगर नहीं निकालना आता तो हम यहाँ देख लेंगे, इधर देख लेते हैं 25 और 15 3 25 होगा, 3 5 15 5 से काट दिए 50 25 5 5 15 75 तो 75 एलसीएम हो गया। तो ये ए है और ये बी है, तो 75 और 25 से भाग देंगे 3 15 3 15 5 75, इधर जो आया ये दिन है और ये कार्य क्षमता है, मतलब ये 25 दिन में अगर ये एक दिन कितना काम कर रहा है 3 दिन में, एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 5 3 8 टोटल कितना काम कर रहा है ए और बी, ए धन बी टोटल काम कितना कह रहा है 8 काम, एक दिन में 8 काम कर रहा है ए और बी, एक दिन में 8 काम कर रहा है, कह रहा है कि 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, कितना 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, तो 8 काम एक दिन में हो रहा है तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 5 × 8 = 40, ये हुआ 5 दिन का काम। अब 40 काम हो चुका है कितना बचा है 75 में 40 कितना हो जाएगा 35 बचा हुआ काम, यहां लिखेंगे बचा काम कितना हुआ 35। अब 35 काम कौन करेगा, ये तो चला गया, अब करेगा बी, बी कितने दिन में करेगा, अगर टोटल 35 काम है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा 35/5 = 60 दिन, टोटल काम कितने दिन में करेगा 7 दिन। किस ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर एक, इसका ऑप्शन चेंज है, क्या दिया है, कह रहा है ए और बी किसी काम को करते हैं, ए उसी काम को 25 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, फिर दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर 5 दिन काम करने के बाद ए चला गया, बी उसको जो काम बचा उसको कितने दिन में कर पाएगा, तो ए 25 दिन बी 15 दिन, टोटल यहाँ निकालते हैं 75 आया, 25 को 75 से भाग दिए 75 को 15 से भाग दिए 5। अब कह रहा है ये जो इधर आया कार्य क्षमता आएगा, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल काम कितना हुआ 8 काम, एक दिन में दोनों काम करेंगे 8 काम कर ले जाएंगे, 5 दिन काम किए हैं मतलब 40 काम कर चुके हैं, बचा कितना 75 से 40 = 35, और ये तो चला गया बी काम करेगा, बी को 35 काम करना है 7 दिन में कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर एक में दिया है, यही परम सत्य आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, धन्यवाद।